Okay. Paragraph spacing, themes, color, margins, alignments. Assalamu alaikum, dear student. Hopefully all of you are fine. My name is Rawi Salman and here I'm your computer teacher. Now student, I welcome all of you on the Digital Academic platform of Moonlight International Publishers. स्टूडेंट मैं सबको आपको यहाँ पे वेलकम करती हूँ. होपफुली आप लोगों ने वर्ड इंस्टॉल किया होगा और उस पर डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे. हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं वर्ड से रिलेटेड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन है जिसपे हम काम को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं और उसको प्रिंट करते हैं और सेव भी करते हैं. उसमें हम ऑप्शंस पढ़े हैं. आज हमारे पास न्यू जो ऑप्शन है, कल हमने जो पढ़ी प्रीवियसली वो हमने डिज़ाइन से रिलेटेड पढ़ी है. आज जो हमने ऑप्शन पढ़नी है वो आपकी लेआउट टेबल के बारे में. मेन्यू बार में ही है, टाइटल बार से नीचे मेन्यू बार आपके पास जो ऑप्शन आती है लेआउट टैब के बारे में आती है. लेआउट टैब क्या चीज़ होती है? लेआउट का मतलब होता है लेआउट टैब होल्ड ऑल द ऑप्शन डेट अलाउ यू टू अरेंज द डॉक्यूमेंट पेजेस. आपने पेजेस को अरेंज करना होता है जस्ट यू वांट टू देम, जिस तरह भी आप उनको जिस तरतीब से चाहते हैं, जिस तरह भी आप काम करना चाहते हैं. यू कैन सेट मार्जिनस, आप उसके मार्जिन सेट कर सकते हैं. राइट साइड से आपने कितना छोड़ना है, लेफ्ट पे कितना छोड़ना है, आप मार्जिनस को सेट कर सकते हैं. अप्लाई थीम्स, डिफरेंट थीम्स को अप्लाई कर सकते हैं. कंट्रोल ऑफ पेज और ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन होता है कि पेज या डॉक्यूमेंट आपको देखने में किस तरह का लगना चाहिए, साइज़ कितना होना चाहिए पेज का. सेक्शन एंड लाइन ब्रेक, जब आप लाइन को ब्रेक्स करते हैं कि आपकी लाइन में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, कम करेंगे ज़्यादा करेंगे. डिस्प्ले लाइन नंबर, हाइपनशन एंड सेट पैराग्राफ, एडेंटेशन एंड लाइन्स, और इस तरह की डिफरेंट थिंग्स आपके पास आती है. ये सारी चीज़ें आपकी लेआउट में होती हैं. जब आप लेआउट पर क्लिक करते हैं ये सारी ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे. आपने इसको सेलेक्ट करना है और डिफरेंट चीज़ों पर आपने काम करना है. सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो आप जब डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे आपके पास जो पहली ऑप्शन आएगी वो पेज सेटअप के बारे में आएगी. पेज को आपने किस तरह सेट करना है, किस तरह आप पेज को सेट करना चाह रहे हैं, क्या आप चेंजिंग्स चाह रहे हैं. यू कैन डिस्प्ले द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में आप जाएंगे. मार्जिन हैं आपके पास आ रहे हैं, मार्जिन हैं, ओरिएंटेशन हैं, साइज़ है, कॉलम्स है, जिस तरह की भी चीज़ आप लॉन्च करना चाह रहे हैं. आप राइट कॉर्नर पर क्लिक करेंगे ग्रुप के, आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी. आप उस पर सेलेक्ट करेंगे, जो चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे उस तरह का पेज आपका सेटअप हो जाएगा. फिर इसमें हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, पैराग्राफ की. जब आपने एक पैराग्राफ लिखना है तो आपने ये देखना है कि आपने उसको राइट साइड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से करना है, या राइट से आपने उसको कितना आपने उसको छोड़ना है, कितना आपको डिस्टेंस चाहिए लेफ्ट से, या उनके दरमियान कितनी आपके पास मार्जिन लाइन्स होनी चाहिए, कितनी स्पेस होनी चाहिए, ये सारा पैराग्राफ में आता है. जब आप पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन सामने आ रही होती है इंडेंट की और स्पेसिंग की. इसमें आपके पास लेफ्ट पे ऑप्शन आ रही होती है, लेफ्ट राइट आपके पास एरोज बने होते हैं. आप इस पे क्लिक करेंगे, अपनी मर्जी से इसको आप चेंज कर सकते हैं. बिफोर और आफ्टर, 0.8, जो जितना भी आप उसको क्लिक करना चाहें आप उसको चेंज कर सकते हैं. यू कैन डिस्प्ले द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स इंडेंट एंड स्पेस टैब बाय क्लिकिंग द लॉन्चर ऑन द राइट बॉटम कॉर्नर ऑफ द ग्रुप. आपने राइट पे क्लिक किया, आपके पास ये आप स्क्रीन पर ये चीज़ शो हो जाएगी, या आपके पास एक न्यू विंडो खुल जाएगी. आप इसको जिस तरह भी सेट करना चाहेंगे आप इसको सेट कर लेंगे. जब आप इसको सेट करेंगे ये आपके पास फॉर्मेट पैराग्राफ हो जाएगा. ये पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में आपके पास चीज़ आ जाएगी जो हम काम करना चाहते हैं. फिर हम बात करते हैं अरेंज की. अरेंज भी आपका सारा एक ही उसमें आपके पास आ जाएगा कि जो आपने सारा काम स्टार्ट किया होगा. दिस होल ग्रुप, ये पूरा ग्रुप एक ही हमें सारा क्लियरली शो हो जाएगा, जिसमें आपके पास पोजीशन आपके पास आ जाएगी, आपके पास रैप टेक्स्ट आ जाएगा, ब्रिंग फॉरवर्ड आ जाएगा, सेंड फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड आ जाएगा, सिलेक्शन पैन है, अलाइनमेंट्स हैं, रोटेट आपने करना है. तो ये सारा आपका जो है एक ही दफ़ा में सारा जो है ये आपके पास ओपन हो जाएगा. स्टूडेंट हमारे पास डिज़ाइन टैब में आपके पास ऑप्शन अब आपके पास आ जाती है जिसके बारे में हम बात करेंगे, पोजीशन के बारे में, कि आपके पेपर की पोजीशन क्या है. इट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ पिक्चर और पोजीशनिंग ऑप्शंस. पोजीशनिंग ऑप्शंस के आपके पास आ जाती हैं. ड्रॉप डाउन आप इस पर क्लिक करेंगे, जो आपके पास ड्रॉप डाउन की कमांड्स आ जाती हैं, इसमें लाइन है, टेक्स्ट रैपिंग है. यू कैन सेलेक्ट मोर लेआउट ऑप्शन डिस्प्ले एडवांस लेआउट डायलॉग बॉक्स में आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ड रैप के बारे में. वर्ड रैप द ड्रॉप डाउन कंटेन्स अ कमांड लाइन है विद टेक्स्ट है. टेक्स्ट आपके पास जो आपने टेक्स्ट लिखना है स्केल में लिखना है, टाइट है, थ्रो है, टॉप, बॉटम, बिहाइंड द टेक्स्ट क्या चीज़ आती है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्या चीज़ आती है, एडिट रैप पोजिशंस एंड मोर लेआउट पोजिशंस, ये सारी आपकी वर्ड रैप के अंदर आपके पास पोजिशंस आ जाती हैं. आप जब इस पर डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे ये आपके पास सारी ऑप्शन आ जाएंगे. फिर आपके पास ऑप्शन आ जाती है ब्रिंग फॉरवर्ड के. फॉरवर्ड का मतलब होता है जो हमने आगे की तरफ जाना होता है.
The drop down button brings the selected object forward one level. एक level यानी कि एक point सिर्फ आपको जो आगे की तरफ लेके जाता है वो आपका bring forward हो जाता है. The drop down provides a command to bring selected object in the front. आपके पास front की जो options होती है उसको हम आगे की तरफ लेके जाते हैं. इसी तरह जब हम send backward की बात करते हैं तो हमने एक step हम पीछे की तरफ चले जाते हैं. The bottom brings selected object one level. The drop-down provides command to send the selected object to the back of the other object. जितने भी object हैं उससे एक step जो आप पीछे जाते हैं वो send आपका backward आता है. फिर हम बात करते हैं alignment के. Alignment की बात करते हैं या align की बात करते हैं तो aligns में आपके पास आता है आपके जब select करें design में तो design में आपके पास जो option आती है alignment. Alignment आपकी right भी हो सकती है, left भी हो सकती है, center में भी हो सकती है, justify हो सकती है. आपके पास क्या इट अलाउज यू टू चूज द टेक्स्ट. आपने टेक्स्ट को कहाँ से स्टार्ट करना है. अलाइनमेंट ऑप्शंस आ जाती है लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट. जिस तरह की भी आप करना चाहते हैं वो आपके पास हो जाती है. फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप की. द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द कमांड ग्रुप रीग्रुप और अनग्रुप. ग्रुप के फॉर्म में आपने बनाना है, रीग्रुप दोबारा उसको बनाना है, अनग्रुप करना है. अगर आपका कोई काम ग्रुप के फॉर्म में हुआ है तो आप उसको आप अनग्रुप कर सकते हैं. रोटेट का मतलब होता है मूव करना, किसी भी पोजिशन को आपने रोटेट करना है. द ड्रॉप डाउन कंटेन्स कमांड रोटेट 90 एंगल. आपने रोटेट राइट 90, आपने 90 के एंगल से ज़्यादा आगे की तरफ जाना है, राइट की तरफ जाना है, लेफ्ट 90, फ्लिप वर्टिकल. वर्टिकल ऊपर की तरफ आपका होता है, हॉरिजेंटल इस तरफ आपके पास होता है. एंड मोर रोटेशन ऑप्शन आपके पास, जिस तरह के आप करेंगे जितने भी एंगल का आप चाहेंगे वो आप काम रोटेट में कर सकते हैं. ये रोटेशन आपके पास आपके आ जाती है, रोटेट करना है.